नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है टाटा स्टील लिमिटेड। ये स्टॉक 150 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है एंड मार्केट में आज इसने 5.58% का अप मूव दिया था। मार्केट कैप है इसकी 1,86,951 करोड़ की। प्रमोटर होल्डिंग 33.20 है। बुक वैल्यू इसकी 72.50 है। डिविडेंड यील्ड इसकी 2.40% है। फेस वैल्यू 1 है। सो बेसिकली स्टॉक क्या करता है, देखिए पहले सबसे पहले तो बात है कि यहाँ पे टाटा का नाम आ गया तो ये स्टॉक वैसे ही काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि आपको पता है टाटा का भरोसा, टाटा की कार्स, टाटा की बाकी सारी चीज़ें, तो वैसे ही थोड़ा सा वो फैक्टर आ जाता है इसमें। तो बेसिकली ये स्टॉक करता क्या है, द कंपनी हैज़ प्रेजेंस अक्रॉस द इंटायर वैल्यू चेन ऑफ स्टील मैन्युफैक्चरिंग फ्रॉम माइनिंग एंड प्रोसेसिंग आयरन ओर एंड कोल टू प्रोड्यूसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। द कंपनी हैज़ लार्जेस्ट टू इंक्रीज सॉरी द कंपनी हैज़ अ टारगेट टू इंक्रीज डोमेस्टिक स्टील मेकिंग कैपेसिटी टू 30 MNTRPA बाई 2025। देखिए यहाँ पे इन्होंने बड़े शॉर्ट में अपने विजन की भी बात कर दी कि क्या देखना चाहते हैं नेक्स्ट लाइक 1 और 1.5 ईयर में इनकी क्या यू नो रोड मैप है एंड क्या इनका विजन है। यहाँ पे डिटेल में कुछ चीज़ें यहाँ पे बताई हुई हैं कि मार्केट पोजिशन क्या है, तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में क्या था, फाइनेंशियल ईयर 2020 में क्या था, तो ये सारी चीज़ें बताई हैं यहाँ पे इन्होंने। प्रोडक्शन वॉल्यूम कितना है इनका, फाइनेंशियल ईयर 2022 में इनका प्रोडक्शन वॉल्यूम क्या था, एंड यहाँ पे स्क्रीनर पे आप ये सारी चीज़ें खुद भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर मैं एक एक चीज़ बताने लगी तो बहुत लंबा हो जाएगा ये वीडियो। तो अभी के लिए देखें तो ये इनका ज्वाइंट वेंचर विद यूके गवर्नमेंट भी हुआ है। टाटा स्टील हैज़ द यूके गवर्नमेंट इन एंटर्ड इनटू अ ज्वाइंट अग्रीमेंट टू इन्वेस्ट इन इलेक्ट्रिकल आर्क फर्नेस स्टील मेकिंग एट द पोर्ट टेलबोट साइट विद अ कैपिटल कॉस्ट ऑफ 1.25 बिलियन पाउंड। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इनकी इन्वेस्टमेंट एंड एवरीथिंग है, यहाँ पे सारा कुछ डिटेल में है। इनको ग्रांट फ्रॉम यूके गवर्नमेंट ऑफ अप टू 500 मिलियन पाउंड्स एंड रेस्ट दिस 725 मिलियन पाउंड्स जो है विल बी फंडेड बाय द टाटा स्टील लिमिटेड। तो ये इनका सारा जॉइंट वेंचर बना है यूके गवर्नमेंट के साथ, एंड बाकी यहाँ पे सारी बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई हुई हैं, वो आप खुद भी देख सकते हैं। सो इन शॉर्ट बात करो तो काफ़ी स्ट्रांग स्टॉक है। अभी के लिए देखिए कि ये कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, तो देखिए ये 50 और 200 DA में दोनों से ऊपर ट्रेड कर रहा है। एंड पीई रेशो की बात करें तो पीई रेशो यहाँ पे काफ़ी ऊपर है मीडियम से, थोड़ा सा ऑफकोर्स कॉन्शियस होकर चलने की ज़रूरत है हमें बहुत ज़्यादा। मैक्स में एक बार देख लेते हैं कहाँ तक है, तो पहले ये गई थी 86 तक एंड 89 तक, सो 90 तक गई थी, एंड इस बार ये ट्रेड कर रही है इस टाइम पे 94 पे। तो ठीक है, पहले भी गई थी, उसके बाद काफ़ी करेक्शन हुई थी यहाँ पे, एंड 2012 में गई थी इतने ऊपर, तो अभी थोड़ा सा कॉन्शियस होकर ज़रूर चलने की हमें ज़रूरत है। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 5 ईयर्स का लेके चलते हैं, तो अभी थोड़ा सा डगमगाया हुआ है, थोड़ा सा नीचे गिरा है, इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड सेल्स की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स डिक्रीज हो रही हैं, बट टाटा है तो ऑफकोर्स ये कर ही लेंगे इसका कमबैक। सो अभी के लिए हम शॉर्ट में देखेंगे इसके प्रोज एंड कॉन्स। प्रोज ये हैं कि डिविडेंड बहुत अच्छा देते हैं, कॉन्स ये हैं कि प्रमोटर होल्डिंग जो है डिक्रीज हुई हैं ओवर लास्ट क्वार्टर, वो डिक्रीज हुए 0.72%। ठीक है, आगे उसके बारे में भी देख लेंगे। अभी के लिए ये जो है ये इसके टाटा स्टील के पीयर्स हैं सारे, उनका प्राइस देख सकते हैं हम, इससे काफ़ी कम है। इसके पीयर्स से देखें तो सेल का प्राइस कम है एंड उसके बाद आता है टाटा स्टील का, तो अभी ग्रोथ के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं ऑफकोर्स इसमें। तो क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो देखिए क्वार्टरली रिजल्ट इस बार काफ़ी ज़्यादा अच्छा आया है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि लास्ट टाइम देखें तो नेट प्रॉफिट जो था -6,511 था, एंड ये फिगर्स लैक्स में होती हैं। ठीक है, तो अभी जो आया है वो आया है 522 का, तो बहुत ज़्यादा जंप है। अगर वैसे अगर ये माइनस में होता, जीरो भी होता, तो यहाँ पे 7,000 समथिंग आ जाता। ठीक है, तो सेल्स की बात करें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स जो हैं वो डिक्रीज हुई हैं, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे क्यों आया है ऐसा रिजल्ट। तो सेल्स तो डिक्रीज हुई हैं, एक्सपेंसेस भी उसी के साथ डिक्रीज हुए हैं, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो रहा है पॉजिटिव में, क्योंकि सेल्स तो कहीं ना कहीं सेम सेम है बट जो एक्सपेंसेस हैं वो काफ़ी कम हुए हैं, तो उसकी वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर काफ़ी अच्छा रहा है, एंड प्रीवियस ईयर के सेम क्वार्टर से कंपेयर करें तो भी काफ़ी अच्छा रहा है। तो यहाँ पे जो मेजर डिफरेंस आया है वो आया है अदर इनकम का।
देखिए अदर इनकम यहाँ पे माइनस में बहुत ज़्यादा थी लास्ट टाइम, 6500 माइनस में थी एंड अभी जो है सिर्फ 33 माइनस में है, तो उसकी वजह से ये सारा तामझाम करके हमारा रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव में आया है। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन भी बिल्कुल सेम ही है, इंटरेस्ट थोड़ा सा कम आया है इस बार एंड ओपीएम की बात करें तो बढ़ गया है वो। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के मुझे लगता है कंपनी रिकवर करने की कोशिश कर रही है। तो अभी हम चलेंगे इसके जो ये था कैश फ्लो। कैश फ्लो में देखिए जो फाइनेंस में होती हैं कंपनीज उनका देखा जाता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी का, एंड जो अदर कंपनीज होते हैं उनका देखा जाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। तो देखिए यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्टिविटी का नो डाउट ये ईयरली होता है, तो मार्च 2023 में नो डाउट कम तो आया है, बट ये अच्छी बात है कि पॉजिटिव में रहा है, बाकी सारे नेगेटिव में रहे। तो अगर कैश फ्लो देखें तो ये माइनस में रहा है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है, बट होपफुली इस बार थोड़ा ठीक हो जाएगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न में थोड़ा सा डिफरेंस आया, जो हमने ऊपर भी पढ़ा कि यहाँ पे इन्होंने शेयर होल्डिंग थोड़ी सी कम करी है फेब में, एंड एफआईआईज का देखें तो एफआईआईज की होल्डिंग काफ़ी बड़ी है बट पहले से कम हुई है, दिसंबर से फेब में इन्होंने कम करी है। डीआईआईज की होल्डिंग भी छोटू सी कम हुई है एज कम्पेयर टू दिसंबर इन फेब, एंड गवर्नमेंट की होल्डिंग सेम है, एंड यहाँ पे जो होल्डिंग यहाँ पे सारी कम की गई हैं वो मुझे लग रहा है कि वो पब्लिक के पास जा चुकी हैं, 24.21% पब्लिक के पास है। तो अभी चलते हैं हम इसके चार्ट पे। चार्ट पे देखिए मैंने एक बनाया है यहाँ पे अप ट्रेंड का एक चैनल, ठीक है। तो ये जो सारा तामझाम है, पहले तो मैं बता दूँ जो न्यू व्यूअर्स हैं उनके लिए कि यहाँ पे मैंने एक इंडिकेटर लगाया है, एक ऑसिलेटर लगाया है। इंडिकेटर है रेंज का एंड ऑसिलेटर जो है वो RSI का है। तो ये जो मैंने बनाया है वो एक इंडिकेटर लगाया है मैंने रेंज का, एंड रेंज की बात करें तो देखिए यहाँ पे रेंज से निकलने के बाद ये लगभग 20% के मूव देता है, यहाँ पे भी इसने उसी के मूव देने की कोशिश करी है। एंड पुराना देखें हम यहाँ पे तो वो यहाँ पे रेंज नहीं बन रही है, यहाँ पे नीचे जो रेंज बनती थी वहाँ भी कहीं ना कहीं इसने इतने ही मूव दिए हैं, फिर इसने कंसोलिडेट किया, फिर इसने बहुत ज़्यादा अच्छे मूव दिए। तो यहाँ के मूव की बात अगर हम करें तो यहाँ पे लगभग इसने दिए थे 238% के मूव, और ये कब दिए थे इसने, कितने टाइम पीरियड में, 11 नवंबर 2020 को स्टार्ट हुआ था एंड ये अगस्त तक रैली में रहा था। नो डाउट बीच में हिकअप्स आते ही हैं, एंड लॉन्ग टर्म की एंट्री की यहाँ पे ऑफ कोर्स यहाँ पे पेशेंस इज द की, तो यहाँ पे जिन्होंने पेशेंस रखे उनको काफ़ी अच्छे मूव मिले हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं एक पैटर्न यहाँ पे रीड किया है कि ये हमेशा जब भी, एक तो पहले यहाँ का देख लेते हैं कि रेंज से निकलने के बाद इसने कितने परसेंट के अभी मूव दे चुका है, तो जितने मूव ये देता है उतने दे चुका है अभी के लिए। तो यहाँ पे ना एक पैटर्न है कि रेंज से निकलता है, मूव देता है, फिर से उसी रेंज के पास आता है, फिर एक रेंज बनाता है, फिर मूव देता है, फिर थोड़ा सा ना कंसोलिडेट करता है। तो यहाँ पे ना इसने नो डाउट रेंज ऊपर बनाई है, पर ये आया नीचे ही है, नीचे आने के बाद फिर से ये रेंज में गया है, फिर से इसने मूव दिया। तो इसका एक पैटर्न है कि रेंज से निकलने के बाद, मूव देने के बाद ये कंसोलिडेट करके करेक्ट करके नीचे आता है और फिर मूव देता है, फिर रेंज बनाता है। तो यहाँ भी मैं कहीं ना कहीं उसी चीज़ की उम्मीद कर रही हूँ, हालांकि इतने नीचे नहीं आया है अभी के लिए, हमें ये हटाना पड़ेगा सो दैट हमें चीज़ें थोड़ी क्लैरिटी के साथ दिखें। तो अभी के लिए हम यहाँ पे देखेंगे कि इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है। तो देखिए यहाँ पे सपोर्ट जो इसका है, ये तो मुझे लगता है कि इसका सपोर्ट बन चुका है, क्योंकि देखिए यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस आई थी, यहाँ पे इसने सपोर्ट बनाया है, यहाँ पे भी सपोर्ट बनाया है, यहाँ पे इसने छोटी सी रेजिस्टेंस ली है, यहाँ पे इसने सपोर्ट बनाया है, ये फिर से यहाँ पे सपोर्ट बनाया है, और अब तो इसने काफ़ी स्ट्रांग यहाँ पे सपोर्ट बना लिया है। तो मुझे लगता है कि एंट्री की बात करें तो मुझे लगता है कि एंट्री यहाँ पे डेफिनेटली बनती है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म की। यहाँ पे अभी बात करें तो ये यहाँ से रेजिस्टेंस लेके आया है, एंड वो रेजिस्टेंस बनती है यहाँ की, वो बनती है 151 की रेजिस्टेंस। तो इसका सपोर्ट अभी चल रहा है स्ट्रांग वाला 141 का, एंड रेजिस्टेंस जो चल रही है वो चल रही है 151 की। तो इसके बीच में अभी स्टॉक कर रहा है ट्रेड। तो देखिए ये वाली रेजिस्टेंस ये रिजेक्शन लेके आया है, एंड अभी ट्रेड कर रहा है ये 149.70 पे, ठीक है। तो अभी के लिए हम एंट्री के पॉइंट से देखें तो मुझे लगता है कि यहाँ पे स्मूदर मूविंग एवरेज को भी RSI की लाइन कट करने वाली है, एंड अगर ये कट कर देते तो RSI के पास काफ़ी सारा रूम है यहाँ पे प्ले करने के लिए। RSI अभी 55.11 पे है, एंड अभी वीकली RSI एक बार चेक कर लेते हैं तो वो है 61 पे। तो दोनों RSI जो हैं वो करेक्ट हो चुकी हैं बहुत अच्छे तरीके से, एंड मुझे लगता है कि मूव देने वाला है। तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म की एंट्री की अगर हम बात करें तो देखिए शॉर्ट टर्म की अगर हम बात करें तो मुझे लगता है
कि जिस तरीके की अभी मार्केट है, क्योंकि मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलीटेलिटी है, तो अभी शॉर्ट टर्म की एंट्री के लिए देखिए कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। जैसे कि अमेरिका में इलेक्शंस हैं, इंडिया में इलेक्शंस हैं, तो अमेरिका में अगर वॉलीटेलिटी रहेगी, मार्केट में फ्लक्चुएशन रहेगी, तो वो इंडिया में ज़रूर देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमारी जो इंडियन मार्केट है वो US की मार्केट को रेप्लीकेट करती है। ठीक है, तो अभी शॉर्ट टर्म की एंट्री के लिए हमें ये ज़रूरी देखने की कुछ चीज़ें हैं, जो है S&P 500, नेस्टैक, डाउ जोन्स। ये सारी चीज़ों को अगर हम देख के चलेंगे तो मुझे लगता है कि यहाँ पे हमें काफ़ी अच्छा ट्रेड मिल सकता है, क्योंकि शॉर्ट टर्म की एंट्री को रिस्क करके अगर हम चलेंगे, हमारे पैसे बाउंड हो सकते हैं ज़्यादा टाइम के लिए। क्योंकि देखिए इलेक्शंस का टाइम है इंडिया में भी, तो बहुत इंपॉर्टेंट कुछ डेट्स हैं जिन पे काफ़ी फ्लक्चुएशन मिलेगी। वो अगर किसी को जाननी है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली बता दूंगी उनको। एंड यहाँ पे अभी देखें तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म दोनों की एंट्री ओपन होती है। एंड मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म के लिए तो शॉर्ट टर्म की एंट्री थोड़ी सी रिस्की ज़रूर है, पर यहाँ पे बनाई जा सकती है। एंड शॉर्ट टर्म पे मैं उम्मीद कर रही हूँ कि मुझे लगता है कि 31 मार्च तक, ज़्यादा नहीं तो इसके आसपास ये ज़रूर ट्रेड करता हुआ मुझे लग रहा है दिख रहा होगा, और जो कि बनते हैं 6-6.5% के आसपास। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे दिखेगा हमें मूव करता हुआ। अभी इसकी रेजिस्टेंस की बात करें तो मुझे लगता है कि ये वाली हमें स्ट्रांग रेजिस्टेंस आने वाली है 154 के ऊपर, 155 के ऊपर ये हमें रेजिस्टेंस आने वाली है स्ट्रांग। हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेट करता दिखे। वॉल्यूम की बात करें तो देखिए वॉल्यूम आज काफ़ी अच्छा आया है। जो फ्राइडे को वॉल्यूम आया था वो आया था 68 मिलियन का NSE पे, एंड आज वॉल्यूम आया है 166 मिलियन का NSE पे। ठीक है, तो अभी एंट्री की एक बार डिटेल में बात करने से पहले हम चलेंगे इसके BSE पे। BSE पे देखिए इसका प्राइस बैंड जो है 10% का है। एंड न्यूज़ की बात करें तो न्यूज़ ऑफिशियली BSE पे ऐसा कोई है नहीं जो इसके प्राइस के अप या डाउन मूव में कोई फर्क डालेगा, तो रिसेंट ऐसा कोई न्यूज़ नहीं है। तो अभी के लिए मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म की हम एंट्री की इसकी बात कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म की एंट्री की बात करें कि इस क्वार्टर के रिजल्ट से पहले पहले मुझे लगता है, क्योंकि ये वाली जो है ये अभी यहाँ पे अगर हम पैटर्न रीड करें तो, जस्ट अ सेकेंड सॉरी, अगर हम पैटर्न यहाँ पे रीड करें तो यहाँ पे मुझे लगता है कि जब ये कंसोलिडेट करता है उसके बाद रेंज के पास ही आता है और रेंज बनाता है, तो यहाँ पे देता है हमें लगभग लगभग 11% के आसपास के मूव। ठीक है, तो पहले भी इसने यही पैटर्न बनाया है, तो यहाँ पे मैं ज़्यादा नहीं तो रेंज यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद मैं 11% के अगर मूव लेके चलूँ तो मुझे यहीं तक के मूव आते हैं। तो हम ज़्यादा नहीं तो इसके 160 और 170 के बीच में मुझे लगता है ट्रेड करता हुआ दिख सकता है। तो मैं 170 के टारगेट लेके चल रही हूँ कि हो सकता है कि, जस्ट सेकेंड, आई एम सो सॉरी, मैं एक बार बार गलत वाला उठा रही हूँ। तो 170 के आसपास मुझे लगता है ट्रेड करता हुआ दिख सकता है हमें इस ये जो रनिंग क्वार्टर है इसके रिजल्ट से पहले पहले, और जो कि बनता है 13-14%, 13.5-14% के आसपास। तो देखिए अगर ये टारगेट अचीव हो गए तब तो हम ज़्यादा कर ही लेंगे ऑफ कोर्स, बट मुझे लगता है कि मार्केट में इतनी फ्लक्चुएशन रहेगी इन दिनों इलेक्शंस की वजह से कि हम थोड़ा सा संभल के चले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। शॉर्ट टर्म की एंट्री के लिए यहाँ पे मैं अगर बनाती शॉर्ट टर्म की एंट्री तो मैं बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के साथ नहीं बनाती, क्योंकि फ्लक्चुएशन काफ़ी है। एंड पुराना पैटर्न अगर रीड करें तो ये स्टॉक नीचे आता है, ये देखिए ये ऊपर जाने की कोशिश करता है और फिर ये स्टॉक ये ऊपर गया है और फिर ये स्टॉक नीचे आया है। यहाँ पे देखेंगे हम तो यहाँ पे भी ऊपर गया है और फिर स्टॉक नीचे आया है। तो हो सकता है कि अपना पुराना पैटर्न ये यहाँ पे फिर से करे, एंड ये ऊपर जाए और फिर से नीचे आए, तो वो भी एक चीज़ हमें ध्यान में रख के चलनी पड़ेगी। एंड स्टॉप लॉस तो बिल्कुल हमें लेके चलना पड़ेगा। एंड स्टॉप लॉस मुझे लगता है कि 141 का स्ट्रांग है। अगर इससे नीचे स्टॉक आता है तो मेरा तो सेल 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 वाला जोन एक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं। आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।